लंबे चले मंथन के बाद आखिरकार एलजेपी की बिहार की खगड़िया सीट के प्रत्याशी का मामला सुलझ गया है। खगड़िया से लोजपा के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को फिर से टिकट देने की सहमति मिल गई है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही हैं। महबूब अली कैसर ने लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की और देर तक इस बारे में चर्चा भी हुई। रामविलास पासवान से मुलाकात कर लौटने के क्रम में कैसर ने यह वक्तव्य दिया कि वो एनडीए में हैं, एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ेंगे। चिराग पासवान के नामांकन के दौरान भी वो मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैसर का मामला लगभग तय हो चुका है। शनिवार को रामविलास पासवान ने भी इसके संकेत दे दिए थे। अल्पसंख्यक का मामला छेड़ते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर यूपी में मायावती और अखिलेश को अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो वो क्यों नहीं घोषणा करते कि यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला तो अल्पसंख्यक समाज के विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोजपा के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका तो एक सांसद ही अल्पसंख्यक समाज का है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी इच्छा थी कि खगड़िया से किसी अल्पसंख्यक या फिर अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। बता दें कि दो दिनों पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के बिहार के 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे, लेकिन खगड़िया सीट की उम्मीदवारी को लोजपा ने रोक रखा था। अब जाकर खगड़िया सीट के उम्मीदवार के रूप में लोजपा ने महबूब अली कैसर के नाम को सहमति दे दी है। इस खबरों की चर्चा लगातार मीडिया में चल रही है। दो दिन पहले तक खगड़िया लोकसभा सीट के प्रत्याशी को लेकर के लोजपा में ऊहापोह की स्थिति थी। पूर्व मंत्री आरएन सिंह के पुत्र डॉक्टर संजीव का नाम रेस में था, लेकिन अब महबूब अली कैसर की दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ रही है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।